शब्द हमारा तू शब्द का, सुनिमत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को, शब्द ही लेहु परख। शब्द बिना सुरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द हमारा तू शब्द का, सदगुरु कबीर कहते हैं मेरे जो शब्द हैं सत निर्णय के परिचायक हैं और मानव मात्र उन शब्दों को सुनने का अधिकारी है। कबीर वाणी किसी कहानी की वाणी नहीं है, कबीर वाणी महिमा की वाणी नहीं है, कबीर वाणी किसी के हाथ पैर मुख आंख नाक कान की सुंदरता बखान करने वाली वाणी नहीं है। कबीर वाणी पाप काटने के लिए सस्ते उपाय बताने वाली वाणी नहीं है। कबीर वाणी आदमी को भ्रम अंधविश्वास की भूल भुलैया में भटकाने वाली वाणी नहीं है। कबीर वाणी हंसाने और रुलाने वाली वाणी नहीं है, किंतु कबीर वाणी तथ्य सत्य का वर्णन करने वाली वाणी है। पूरी कबीर वाणी में प्राप्त विचारों की समीक्षा है, सत्य तत्व आत्मतत्व का उद्घाटन है और अनात्म का मोह छोड़कर आत्म में अनुराग, आत्म में स्थित होने के लिए प्रेरणा है। कबीर वाणी किसी परंपरा की वाणी नहीं है, कबीर वाणी किसी जाति विशेष या मत विशेष संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए वाणी नहीं है, मानव मात्र के लिए है। सदगुरु कहते हैं शब्द हमारा, मेरे जो शब्द हैं निर्णय के, उन्होंने बीजक साखी प्रकरण में ही कहा है साचा शब्द कबीर का। साहब कहते हैं जो मैं जो कह रहा हूं मेरी वाणी सत्यता से ओतप्रोत है, सत्य को उद्घाटन करने वाली है, लेकिन मेरे कहने से मान मत लेना, हृदया देख विचार, हृदय में स्वयं विचार करके देखो जो मैं कह रहा हूं वो सत्यता से पूर्ण है या नहीं है। कबीर साहब ये कहीं नहीं कहते हैं कि मेरी बातें ईश्वर की बातें हैं, मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ, अवतार हूँ या पैगंबर हूँ, ईश्वर ने मुझे, खुदा ने मुझे
लोगों को उद्धार करने के लिए दुनिया में भेजा है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो मेरी वाणी नहीं, ईश्वर की वाणी है। और जो मेरी वाणी को नहीं मानेगा वो नास्तिक होगा, काफर होगा, नरकगामी होगा, वह गुरुद्रोही और धर्मद्रोही होगा। कबीर साहब डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, और लोभ और भय नहीं दिखाते हैं। जो मेरी बातों को मानेगा उसी को स्वर्ग मिलेगा, उसी का मोक्ष होगा, और जो मेरी बातों को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। इस ढंग से ना तो वो लोभ दिखाते हैं और ना तो डरवाकर अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं मैं तो सत्य को उद्घाटन कर रहा हूँ, सांचा शब्द कबीर का, मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो कथन है सत्य तत्व का परिचय देने वाला, सत्य को उद्घाटन करने वाला है। लेकिन मेरे कहने से मानो मत, हृदया देखो विचार, स्वयं अपने हृदय में विचार करके देखो, मेरा कहना सच है या झूठ है। सच लगे तो मानना और झूठ लगे तो छोड़ देना। जब तक धर्मगुरु लोग आम जनता को ये छूट नहीं देंगे कि धर्मग्रंथों में लिखी हुई बातों को पढ़ो, समझो, मनन करो, और जब सच लगे तब मानना, अन्यथा मत मानना, तब तक जनता को कभी सही ज्ञान होने वाला है नहीं। धमकाया गया है, डराया गया है, नास्तिक होने का डर, धर्मद्रोही होने का डर, ईश्वर द्रोही होने का डर, गुरु द्रोही होने का डर दिखाया गया है, दबा दिया, एक प्रकार से लोगों की मानसिकता को कुचल दिया गया है। और धर्म, ईश्वर, गुरु के नाम पर लोगों को बौद्धिक और मानसिक गुलाम बना करके रखा गया है। इसीलिए आज के युवा पीढ़ी में से अनेक लोग धर्म और गुरु का नाम सुनते ही बिदक जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है, धर्म, ईश्वर और गुरु के नाम पर, जिन बातों का प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था, विश्व के शाश्वत नियम, तत्वों के गुण धर्म, तो कोई मतलब ही नहीं है। सांच और झूठ से कोई मतलब ही नहीं है। धर्म, ईश्वर के नाम पर बड़े बड़े मंचों से हजारों लाखों की भीड़ में धर्म गुरु कहलाने वाले लोग निसंकोच झूठ बोलते रह जाते हैं। और कह देते हैं नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे, नरक में जाओगे। धर्म, ईश्वर के नाम पर आप तर्क नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते नहीं, तो हृदय देखो विचार, हृदय में विचार करके देखो, सोचो, समझो, विचारो, तर्क की कसौटी पर कसो, सही लगे तब मानना, सही न लगे तो छोड़ देना।
हमें अपनी परंपरा के प्रति, अपने से जो पूर्व के महापुरुष हैं उनके प्रति जो धर्मग्रंथ हैं उनके प्रति श्रद्धालु होने की आवश्यकता है, किंतु अंधश्रद्धालु होने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा रखें लेकिन आंखें फोड़ करके नहीं, बुद्धि विवेक को तिलांजलि दे करके नहीं। बुद्धि विवेक पूर्वक जो श्रद्धा होती है वही श्रद्धा कल्याणकारी होती है। वैसे श्रद्धा का अर्थ ही होता है सत्य को धारण करना, निघंटु में, निरुक्त में श्रद्धा का अर्थ ही बताया गया है। श्रद्ध और धा, इन दो पदों के मेल से श्रद्धा शब्द बनता है। श्रद्ध का अर्थ होता है सत्य और धा का अर्थ है धारण करना। हमारी वह मानसिक शक्ति जो सत्य को धारण करती है श्रद्धा कहलाती है। लेकिन आजकल श्रद्धा का अर्थ हो गया है आंख मूंद करके मानना। और आंख मूंद करके मानते मानते तो कहां से कहां चले गए। आंख मूंद कर मानने से कभी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। यहां कबीर साहब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, मेरे जो शब्द है, मेरा जो कहना है, सत्य निर्णय के शब्द हैं, सत्य का उद्घाटन करने वाले शब्द हैं, आत्मतत्व का परिचय देने वाले शब्द हैं। और मानव मात्र इसके अधिकारी हैं। कबीर साहब की बात किसी एक जाति विशेष, वर्ण विशेष, वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। कबीर साहब के जमाने में तो कबीरपंथी नहीं रहा होगा, भले एक समाज उनके पीछे चलता रहा, कुछ नियम रहे होंगे, लेकिन जैसा आज कबीरपंथ का विस्तृत रूप दिखाई पड़ता है उस समय तो नहीं रहा होगा। ये भी समझना होगा कि हम कबीरपंथी हैं, कबीर कबीरपंथी नहीं थे, वे तो सत्यपंथी थे, सत्य पथ पर चलने वाले थे। जहां जहां उन्हें सत्य दिखाई पड़ा सबको स्वीकार करते गए, और जहां जहां सत्य के रास्ते में रोड़े दिखाई पड़े, चाहे जिस किसी के नाम पर, बेमुरव्वत होकर उन्होंने खुल करके खंडन कर दिया, डरा नहीं। अनेक ग्रंथों में कह दिया गया है, लिखा गया है, यह ग्रंथ अमुक अमुक जाति वाले ही पढ़ सकते हैं। अमुक जाति और वर्ण वाले इसको नहीं पढ़ सकते। स्त्रियों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया गया, जिन्हें शूद्र कहा गया। अब भारत के जनता में से 75-80% से अधिक लोग शूद्र में आते हैं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं। पढ़ने लिखने की तो दूर, वेद मंत्र को सुनने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे ऐसे क्रूरतापूर्ण वचन लिख दिए गए हैं धर्मग्रंथों के नाम पर कि क्या कहा जाए। जिस समाज के 75-80% से अधिक लोगों को
एकदम मूढ़ जानवर के समान बना करके रखा जाएगा, वो समाज विकास कैसे कर सकता है, आगे बढ़ कैसा सकता है। इसीलिए संत परंपरा के संतों ने इसका विद्रोह किया। बुद्ध और महावीर ने तो सबको उपदेश दिया, उसके पश्चात बुद्ध महावीर के पश्चात अनेक ऐसे स्मृति ग्रंथ बने, धर्मसूत्र और गृहसूत्र आदि बने, जिनमें क्रूरतापूर्ण बातें लिखी गई। और लिखने वाले सब अपने को भगवान के भगत मानते चले गए। मूल प्रसंग पर मैं आता हूं। शब्द हमारा तू शब्द का, सदगुरु कहते हैं मेरे जो शब्द हैं कल्याण के लिए, सत्य के लिए प्रेरणा देने वाले शब्द हैं, और जितने भी श्रोता हैं सब उसके अधिकारी हैं, इन्हें सुनो, गुनो और मनन करो। लेकिन सुनिमत जाहु सरक, सुन करके खिसक मत जा, पतित मत हो जाओ। ज्ञान की बातें हम सुनते हैं, और ज्ञान की बातें सुनते समय हम अंदर ये निश्चय भी करते, संकल्प भी करते हैं, जैसे गुरु जी कह रहे हैं, संत जी कह रहे हैं, ज्ञानी जी कह रहे हैं, मुझे आगे ऐसे ही जीवन जीना है। बहुत गलतियां मैंने कर ली है, अब उन गलतियों को मुझे दोहराना नहीं है, अब तो धर्म और परमार्थ के मार्ग पर ही चलना है, अपनी गलत आदतों को सुधार करके ही सही ढंग से जीवन जीना है। लेकिन जैसे ही सभा मंडप से निकलते हैं या आश्रम से मंदिर से निकल करके बाहर जाते हैं, फिर पुरानी आदतें हावी हो जाती है, और जिन कामों को नहीं करने संकल्प लिया था फिर हम उधर बहक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, सत्संग का कार्यक्रम होता है, बड़ी भीड़ होती है, हजार दो हजार चार हजार की, और लोग बड़ी तन्मयता से सुनते हैं, और लगता है कि लोग कितने धार्मिक हो गए हैं, धर्म के प्रति, कल्याण के प्रति, परमार्थ प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा भावना बढ़ गई है, बड़े प्रेम से सुनते हैं लोग। लेकिन जैसे सत्संग समाप्त हुआ, लोग पंडाल से बाहर निकले और उसी बीच से प्रवक्ता को निकलना बंद, यदि निकलना पड़ गया तो नाक बंद कर निकलता, चारों तरफ भट्टियां शुरू हो जाती है धुआं निकलने वाले, अंदर तो भट्टी झलकती रहती, सबके सबको मैं देखो चारों से धुआं निकालने वाले, चिमनी बस सब तरफ सुलगने शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? स्थिरता नहीं रह जाती है। इस संदर्भ में एक उदाहरण में दिया करता हूं। जैसे यहां एक सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, भी मान लो ये तो शिविर है लेकिन सत्संग भी है, एक जगह सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, एक संत आए थे, गांव में एक भगत रहते थे जो उसी संत के शिष्य भी थे, बहुत पुराने भगत, संतसेवी, सत्संग प्रेमी, अपनी पत्नी के साथ गए, चलो गुरुजी के सत्संग हो रहा है सुनने जाते हैं, गए। उस दिन संयोग से वो संत
दुर्व्यसन से क्या क्या हानि होती है, दुर्व्यसन से आदमी से क्या क्या बीमारियां होती है, कैसे नुकसान होता है, उस पर बोल रहे थे, उसको त्याग पर जोर दे रहे थे। वो भगत भी बीड़ी पीते थे, यहां भी कोई बहुत अच्छा बैठे हुए हैं, भगत होना, सत्संगी होना, गुरु दीक्षित हो जाना अलग बात है, लेकिन दुर्व्यसन का त्याग करना अलग बात है। तो भगत दीक्षित तो थे गुरु जी से, सत्संगी भी थे, संतों की सेवा परायण भी थे, लेकिन बीड़ी पीने की आदत, और उसी पर गुरु उनके गुरु जी बोल रहे थे। उनकी पत्नी साथ में बैठी थी, कहा कि बहुत दिन से तुम कहती थी बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, लेकिन छोड़ने पा था। आज गुरु जी की बात सुन करके लगा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, और आज मैं संकल्प करता हूँ यहीं पर कि आज से मैं बीड़ी बिल्कुल ही नहीं पीऊँगा। उसकी पत्नी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो चाहती थी। सत्संग समाप्त हुआ, दोनों पति पत्नी घर लौट करके आए, पत्नी ने भोजन बनाया, अपने पति भगत को खिलाया। अब बीड़ी पीने वाले को और बीड़ी चाहे न चाहे भोजन की बात तो जरूर चाहिए, और तंबाकू खाने वाले को भी, और समय भले तंबाकू मिले या ना मिले, भोजन की बात तो जरूर मिले, नहीं तो हजम होना बड़ा मुश्किल है। भोजन किए भगत जी, फिर निकाले बीड़ी और माचिस, बीड़ी जलाए, पीने लगे। उसकी पत्नी ने कहा अभी तो घंटा भर भी नहीं हुआ है, वहाँ सत्संग में संकल्प करके आए हो कि बीड़ी नहीं पीऊँगा, आज से बीड़ी का त्याग करता हूँ, फिर बीड़ी पीना शुरू कर दिए, ये छोड़ दो, ये गलत है। तो उसने कहा अरे महात्माओं को क्या बात कहते हो, महात्माओं तो पता नहीं क्या क्या छोड़ने कहते रहते हैं, महात्माओं की बात मान ले तो दुनिया में जीना मुश्किल पड़ जाएगा, और तो ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या छोड़ने कहते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, छोड़ दो बीड़ी। तो भगत ने कहा महात्मा तो ये भी कहते हैं यदि पूरा का पूरा कल्याण चाहते हो, इसी जीवन मुक्ति चाहते हो, तो घर द्वार सब छोड़ करके साधु मार्ग में आ जाओ, बताओ क्या तुम्हें छोड़ दूँ। उसकी पत्नी ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे छोड़ सकता है, कहा तुम्हें नहीं छोड़ सकता तो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकता। ये तो एक उदाहरण है, तो सुनी मत जाहु सरक, हम सुनते तो हैं और लगता है नहीं बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही जीवन जीना है, लेकिन स्थिरता नहीं हो पाती, हमारा संकल्प मजबूत नहीं हो पाता है, आदत परेशान करती है, आसक्ति खींचती है, हम फिर बह जाते हैं। कितना हम सुनते हैं, कितना हम कहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कितना हम पकड़ करके रखते हैं, कितने को जीते हैं। साहब कहते हैं ज्ञान की बातें सुनो, सुन करके धारण करो, खिसक करके फिर उसी राग रंग मोह माया की तरफ चले मत जाओ, नहीं तो जिंदगी भर सुनते रहोगे, ज्ञानी होने भ्रम पाले रहोगे, और रहोगे दुखी के दुखी। निजी पंक्ति में साहब खास बात कहते हैं, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेहु परख, यदि निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों की परख करो। निज तत्व और पर तत्व दो ही तत्व हैं। अक्सर गुरुदेव जी इस संदर्भ में कहा करते थे पूरी दुनिया में अध्ययन के केवल दो ही विषय हैं, एक स्व और एक पर। स्व को हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं, पर को अनात्म या जड़ कहते हैं। जो स्व है, आत्मा है,
वह हमारा निज तत्व है। जो अनात्मा है, पर है, वह परतत्व है। जो कभी हमारा हो नहीं सकता वो परतत्व है। जो हमारे लिए दुख का कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है, भटकाव का कारण बनता है, वह परतत्व है। और जिसे हम कभी छोड़ नहीं सकते, जिसका चिंतन, जिसका मनन, जिसका स्मरण शांति का, मोक्ष का, कल्याण का कारण बनता है, वह निज तत्व है। ये निज तत्व की बात है यहां पर। और निज तत्व का बोध पाए बिना ही आदमी भटकता है। निज तत्व अपना आपा, अपना स्वत्व, अपना होना, उसी का ज्ञान न होने के कारण तो हम भटक रहे हैं, जगह जगह गिड़गिड़ा रहे हैं। सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, निज तत्व को नहीं जानते। साहब कहते हैं, निज तत्व को जानना चाहते हो तो शब्दों की परख करो। लिखा है इसलिए मान मत लो। अनेक धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, ये जीव अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, परिच्छीन है, कठपुतली है, ये अपने बलबूते अपना उद्धार कभी नहीं कर सकता है। और फिर भी लिखा गया है कि जीव ईश्वर का अंश है और हम पढ़ते हैं, मान लेते हैं। साहब कहते हैं, मानो मत, पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, लेकिन परखो। अंश का अर्थ होता है टुकड़ा, और जो किसी का टुकड़ा होगा वह अविनाशी नहीं हो सकता। जो भी टुकड़ा होगा वह विनश्वर होगा, विनशने वाला, मिटने वाला, नष्ट हो जाने वाला होगा। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये मानव की चौपाई है। यदि जीव अंश है तो अविनाशी नहीं होगा, और अविनाशी है तो अंश नहीं होगा। अमल शुद्ध निर्विकार, ये समझना होगा। टूटना सदैव विकारी पदार्थों में होता है। निर्विकार पदार्थ न तो टूट सकता है, न उससे कुछ और अलग हो सकता है। यदि ईश्वर अंशी है और जीव अंश है तो ईश्वर भी विकारी होगा, जीव भी विकारी होगा, और एक दिन दोनों मर कर खत्म हो जाएंगे, दोनों का नाश हो जाएगा। न ईश्वर बचेगा न जीव बचेगा, क्योंकि विकारी का नाश होना संभव है, वो बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा। ईश्वर जैसे जीव टूटा ईश्वर से, तो जीव का और भी टुकड़ा हो जाएगा, और टूटते 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 एक दिन ईश्वर पूरा का पूरा टूट करके खत्म हो जाएगा। एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज का पन्ना है, हमने उसमें से थोड़ा सा एक इंच तोड़ दिया, तोड़ करके अलग कर लिया, तो कागज का पूरा पन्ना अंशी हुआ,
जो एक टुकड़ा जो तोड़ा थोड़ा हमने एक इंच या आधा इंच वो अंश हुआ, तो जो हमने एक इंच तोड़ा है वो भी आउट टूटेगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, और पता नहीं क्या होगा, टूटते टूटते वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और जो बचा कागज है वो भी तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ वो भी टूट जाएगा। क्या जीव और ईश्वर ऐसा है? फिर लिखा है बस आंख मूंद कर मानते चले जा रहे हैं, परख नहीं कर रहे हैं। ये तो एक मत विशेष का सिद्धांत है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत तो नहीं है, सर्वमान्य सिद्धांत तो नहीं है। अद्वैतवाद ऐसा नहीं मानता, द्वैतवाद ऐसा नहीं मानता, द्वैताद्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद ऐसा नहीं मानता, सिर्फ विशिष्ट द्वैतवाद में ये बात मान्य है। तो न तो जीव अंश है और न ईश्वर अंशी है, जीव स्वयं है, स्वयंभू है, मूल तत्व है, अनादि और अनंत है, न किसी से बना है न उससे कुछ बना है, और टूटा नहीं किसी से और उसका नाश नहीं होगा। अब प्रश्न यह होता है, जी यदि अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, परिच्छिन्न है, नानत्व है, तो सर्वज्ञ कौन है? जीव को अल्पज्ञ और परिच्छिन्न प्रतिबिंब कहने वाले कौन है? किसने लिखा ये? जिन ग्रंथों में लिखा है उन ग्रंथों को लिखने वाला कौन? मनुष्य ही तो है, जीव ही तो है। क्या किसी ईश्वर ने आकर के घोषणा की है कि ऐ लोगों मैं तुम लोगों को पैदा करने वाला हूं, तुम लोग मुझसे निकल निकल करके बाहर हुए हो, मैंने तुम्हें अपने से बाहर निकाल कर पैदा किया है, ये ईश्वर ने कहा है? कहने वाला भी मनुष्य जीव ही है। क्यों कहा? निज तत्व की परख न होने के कारण। निज तत्व को परखो, और निज तत्व की जब तक परख नहीं होगी तब तक अध्यात्म के क्षेत्र में भटकाव बना रहेगा। हम परखते नहीं हैं, बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है, बड़े बड़े मुनियों ने कहा है, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में कहा है, ठीक है, लिखने वाले हमारे पूजनीय हैं, श्रद्धे हैं, मान्य हैं, लेकिन किसी की लिखी भी सारी की सारी बातें मान्य थोड़े हो सकती है। उन्होंने जैसा समझा, उनको परंपरा से जो कुछ बताया गया ऐसा उन्होंने लिखा, उस पर विचार करें, तर्क करें। विचार करना, तर्क करना अपने पूर्व पुरुषों का अनादर करना नहीं है, तिरस्कार करना नहीं है, उनके प्रति श्रद्धाहीन होना नहीं है। विचार करना तो मनुष्य का एक मौलिक गुण है, उन्होंने भी विचार किया है और अपनी परंपरा की बहुत सारी बातों को उन्होंने भी छोड़ दिया है। निज तत्व परख करने के साथ बोलते हैं, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले को परख परखो कि कौन शब्द किसमें कहा गया है, महिमा में कहा गया है, अतिशयोक्ति में कहा गया है, या परंपरा के मोह में पढ़ करके कहा गया है, कि या भावुकतावश कह दिया गया है। हम परख नहीं करते, इसलिए भटक जाते हैं। वो निज तत्व जो कभी आपसे अलग हो नहीं सकता, बाहर से जो कुछ भी मिलेगा वो आपसे अलग हो जाएगा, उसका नाम आप चाहे जो रखना चाहो रख लो, कुछ भी नाम रखो, यदि बाहर से मिलेगा तो छूटेगा जरूर, ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को समझ लें तो बाहर से कुछ पा करके तृप्त होने की जो भावना है ये भावना समाप्त हो जाएगी।
ये शरीर हमारा है, इस शरीर में निज तत्व क्या है हमारा, ये परख है। शरीर का कौन सा अंग हमारा है, निज है, हाथ पैर आंख नाक कान जीव, कौन सा मैं हूं इसमें से, मैं हाथ हूं, पैर हूं, जीव हूं, आंख हूं, नाक हूं, कान हूं, कौन हूं मैं, इनसे मैं काम लेने वाला हूं, ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरे साधन है जानने के। जो साधक होता है साधन से अलग होता है, साधन साधक उपयोग नहीं कर सकता, साधक साधना का उपयोग करता है, किसी चीज को जाने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। और इन साधनों के माध्यम से जो कुछ हम जानेंगे, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, मन से, जो कुछ हमारे जानने सोचने में आएगा, वो निज तत्व नहीं होगा, वो मेरा तत्व नहीं होगा, वह विषय होगा, विषय ग्रहण करना होगा। विषय मतलब पदार्थ, वो हमसे अलग होगा। ये बात परखने की है। केन उपनिषद में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। वहां ऋषि ने कहा है, हम बाहर से परमात्मा पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं परमात्मा को आंखों से, या उसको ग्रहण करना चाहते हैं। इस पर ऋषि कहते हैं, यत् चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंसि पश्यति तदे ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमु पासते। जिसे आंखें नहीं देख सकती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती है, उसको तू ब्रह्म जान। और आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। अब सोचें, आंख से आप देखते हैं या आंख आपको देखती है? आंख बाहर तो देखती है लेकिन आपको तो नहीं देखती। आंख बाहर के विषयों को ग्रहण करती है, जो जो आंखों सामने दृश्य आते गए, प्राणी पदार्थ आते गए, उनको आंख देखने काम करती, लेकिन प्रेरणा आपके आंखों में अपनी शक्ति नहीं है, शक्ति आप में है। आप जब चाहे तब आंख खोलें और जब चाहे तब आंख बंद कर दें, आंख आपको विवश नहीं कर सकती है, नहीं तुम्हें देखना ही पड़ेगा, प्रेरक आप हैं। कब आप देखना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, ये निर्णय करने वाले आप हैं, आंख निर्णय नहीं करेगी। तो ऋषि यहां कहते हैं, जिसे आंखें देख नहीं सकती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती है, सत्ता किसकी है, आपकी। आप ना होते तो आंखें देखती कैसे भला? तो आंखों से देखकर जिसकी उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती है वह ब्रह्म है, वो आप, वही आपका निज तत्व है। यत् वाचानुभिदितम् एन वाग्याभिदिते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते। जिसे बोल करके वाणी व्यक्त नहीं कर सकती पूरा का पूरा, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी बोलती है उसको तू ब्रह्म जान। और वाणी से बोलकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। वाणी कौन बोलता है? आप बोलते हैं, आप चाहे तो बोले, आप चाहे तो ना बोले। तो आप निज तत्व हैं जो वाणी को प्रेरणा दे रहे हैं।
उसको समझने की जरूरत है। ऐसे ऋषि ने कान के लिए कहा, कानों से सुनकर जिसकी उपासना करते ब्रह्म नहीं किंतु जिसकी सत्ता से कान सुनता है, जो प्राणों से प्रजनन नहीं किया जा सकता, जिसके सत्ता से प्राण चलते हैं वह ब्रह्म है। और अंतिम ऋषि ने कहा, यन मनुषा न मनुते इन आहुर मनोमतम तदे ब्रह्मतम विधि निदम यदि उपासते, मन द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता है किंतु जिसकी सत्ता से मन मनन करने में समर्थ होता है, जिसकी सत्ता से मन मनन करता है उसको तू ब्रह्म जान, और मन से मान करके जिसकी उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जहां तक हम मन से कल्पना करते हैं, दो हाथ वाला, चार हाथ वाला, छह हाथ वाला, आठ हाथ वाला, हजार हाथ वाला, ये धारी वो धारी, ऐसा ऋषि कहते हैं, वो सब तुम्हारे मन की कल्पना है, वो ब्रह्म नहीं है। जो मन से मनन कर रहा है, जिसकी सत्ता से मन मनन कर रहा है, किसकी सत्ता से? आपकी सत्ता से। आप ना हो तो मन कैसे चलेगा? आप सत्ता ना दें मन को तो मन कल्पना कैसे करेगा? तो आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, इनसे जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो परतत्व है। इनसे ग्रहण करने वाला जो है, इनका जो उपयोग करने वाला है, इनकी जो सत्ता देने वाला है वो आप, वही निज तत्व है, और उसी का बोध नहीं है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? अच्छी बात, कम से कम एक जिज्ञासा तो है परमात्मा को जानने की, एक तड़पन तो है परमात्मा को पाने की, अन्यथा तो लोग खाली इंद्रियों के भोगों में उलझे हुए हैं। पेट भर खाने को मिल जाए, इंद्रियों के भोग मिल जाए, बस आराम जगह मिल जाए, समझते हैं इतने में ही जीवन कृतार्थ हो गया। अधिक हो गया तो खूब रुपये पैसे बटोर लिए, मठ मकान बटोर लिए, जमीन जायदाद बटोर लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए, मान लिया हम सफल हो गए। इनसे ऊपर उठ करके ये भावना तो जगी कि इनमें कहीं सार नहीं है, इनमें स्थायित्व नहीं है, इनमें कोई स्थायी शांति नहीं है। इनसे ऊपर उठ करके एक ऐसा स्थायी तत्व जो कभी विनष्टता नहीं है, उसे अनेक नाम दिया गया, तो उसको पाने के लिए कम से कम एक जिज्ञासा तो हुई। लेकिन समझने की बात यह है, जो पूछ रहा है परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो पूछने वाला कौन है? पूछने वाला कुछ होगा, परमात्मा को खोजने वाला कुछ होगा, परमात्मा को पाने वाला कुछ होगा। यदि परमात्मा को पाने वाला ही कुछ नहीं है तो परमात्मा मिलेगा कैसे बिना आधार के? किसको मिलेगा परमात्मा? वो कौन है जो परमात्मा खोज रहा है? वही है आपका निज तत्व, वो आप है, और उसका पता ही नहीं है। बहुत लोग तो ये भी कह देते हैं, मैं तो कुछ नहीं हूं। यदि आप कुछ नहीं हैं तो परमात्मा को, परमात्मा की खोज कौन कर रहा है? परमात्मा जरूरत किसको है? पहले आप कुछ हैं, तब आप अपने लिए, अपनी शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति गति के लिए परमात्मा को खोज रहे हैं। तो पहले उसको जानो जो अपनी शांति के लिए परमात्मा पाना चाहता है, अपनी अपनी मुक्ति के लिए परमात्मा पाना चाहता है, वो आप हैं, और वो कहीं बाहर नहीं है, आपसे अलग नहीं है, भटकने की आवश्यकता नहीं है। शरीर संबंध से हम उसी को
कह देते हैं हृदय निवासी। वो तो हृदय निवासी, हृदय में विराजमान, ये शरीर संबंध से कहते हैं, क्योंकि शरीर में आज हम हैं। लेकिन ये जो हृदय निवासी जो कहा जा रहा है, उससे अलग आपको कुछ मिलेगा नहीं। जो हृदय निवासी है उसे आप राम कहो, खुदा कहो, करीम कहो, केशव कहो, रहीम कहो, या अन्य शब्दों से कहो, वो आपसे अलग है नहीं। और हृदय में जो निवास कर रहा है उससे अलग खोजोगे तो भटकाव है। इडले साहब कहते हैं शब्द ही लेह परक, इसको मिला, उसको मिला, मिला किस रूप में मिलेगा, मिलेगा किस रूप में मिलेगा, सोच रहोगे। आंख से मिलेगा तो रूप होगा, कान से मिलेगा शब्द होगा, जीभा से मिलेगा स्वाद होगा, त्वचा से मिलेगा स्पर्श होगा, मन से मिलेगा कल्पना होगी। वो परमात्मा तो नहीं होगा, मिलेगा तो छूट जाएगा। जो जिसको कहते हैं अमुक को मिला, वो कौन है जिसको मिला, वो आप। भटकना नहीं है। इस संदर्भ में गीता का एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा सबको, सबको देखने वाला, जानने वाला, अनुमंता सबका अनुमान करने वाला, सबका धारण करने वाला, भरता सबका भरण पोषण करने वाला, सारे ज्ञान विज्ञान को धारण कौन करता है, और धारण करके निर्माण करके भरण पोषण कौन करता है, रक्षा कौन करता है, भोक्ता शरीर संबंध से अपने किए गए शुभाशुभ कर्मों का सुख दुख भोगने वाला, महेश्वर महान ईश्वर कौन, देहे अस्मिन, ये शब्द ध्यान देने लायक है, देहे अस्मिन इस देह में निवास करने वाला, पुरुष पर जो पर पुरुष है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, शरीर में रहते हुए शरीर से जो अलग है, जो कभी जड़ नहीं हो सकता, हाथ पैर का नहीं हो सकते, जो श्रेष्ठ पुरुष है वो देहे अस्मिन इस देह में रहने वाला जो श्रेष्ठ पुरुष है, परमात्मा होता, उसी को परमात्मा कहा जाता है। मतलब इस देह में रहने वाला जो श्रेष्ठ पुरुष, जो जीव है, जो चेतन है, वही सबका जानने वाला है, सबको धारण करने वाला है, सबका भरण पोषण करने वाला है, वही सुख दुख का भोग करने वाला है, वही महान ईश्वर है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है जो इस देह में निवास करता है। गीताकार नहीं कहते कि इस शरीर से बाहर, देहे अस्मिन इस शरीर में निवास करने वाला, कबीर साहब उसे कहते हैं निज तत्व, हृदय बसेते ही राम न जाना। आवश्यकता है शब्दों को परख करने की, किसने कहा ये नहीं, क्या कहा ये देखने की। तो जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले हो परख, सदगुरु कहते हैं यदि निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों की परख करो, यदि शब्दों की परख नहीं करोगे तो भटकते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे, स्थिरता कहीं मिलेगी नहीं, कभी आत्म तत्व का सही बोध नहीं हो सकता है। लेकिन है क्या, शब्द बिना सुरति आंधरी कहो कहाँ के जाए, निर्णय शब्द का द्वार न पाने के कारण, सारा सार शब्दों की परख न होने के कारण, मनुष्य की जो मनोवृत्ति है विवेकहीन बन गई है, अंधी बन गई है, कहो कहाँ को जाए, अब भला किस रास्ते में जाएगी, जिस रास्ते में जाएगी टकराएगी, क्योंकि विवेकहीन है, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए ताकत, इसलिए शब्दों निर्णय शब्दों को द्वार नहीं पाता, इसलिए आदमी बार बार भटका खा रहा है। भटकने का कारण क्या है, निर्णय शब्दों का द्वार न पाना, और निर्णय शब्द के बिना हमारा लक्ष्य कभी मिल नहीं सकता, हमारी मरुति अंधी बन जाती है, हम निर्णय करना नहीं चाहते,
निर्णय से कतराते हैं। क्यों? कि आज तक जो हम मानते आए हैं, आज तक जो हम सुनते आए हैं, वो सब छूट जाएगा, ये भय। और छोड़ दें, निर्णय से बात सही सर लग दे, ये गलत है, छोड़ दें। अब पता नहीं कहीं भगवान होता होगा, छोड़ देंगे तो नाराज होगा तो क्या होगा, ये भय। पता नहीं होता होगा, जो पता जो है उसका पता है उस पर नहीं है, पता नहीं होता होगा उस पर विश्वास है, जो होता होगा जो है उस पर विश्वास नहीं है। कैसा आदमी भ्रम में जी रहा है, जो है विश्वास उस पर नहीं है, होता होगा पता नहीं है या नहीं है, पता है होता होगा पर विश्वास है पर विश्वास नहीं है। क्यों? शब्दों की परख नहीं है। ध्यान दें, जो होता होगा उस पर विश्वास करोगे, कभी ठहराव नहीं होगा आपका। जैसे दुखी आज बने हो ऐसे दुखी आगे बने रहोगे, जैसे आज भटक रहे हो जगह जगह गिड़गिड़ा रहे हो, आगे भी भटकते रहोगे गिड़गिड़ाते रहोगे। विश्वास है पर करो, होता होगा पर नहीं, होगा पर नहीं। जो होगा पता नहीं, वो मिले ना मिले, है हमने छोड़ दिया उसे। जो है उसे तो हमने पहले छोड़ दिया, और होता होगा पता नहीं, वो तो पता है या नहीं, वो तो अब छूट ही जाएगा, परिणाम क्या होगा। इले साहब कहते हैं कि द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्दों का द्वार नहीं मिल पाता है, इसलिए आदमी बार बार भटकाता है, बार बार भटका खाता है। इले साहब कहते हैं शब्द ही लेहु परख, परखो, विचार करो, घबराओ मत। जो सच होगा वो टूटेगा कभी नहीं, टूटेगा वही जो झूठ होगा। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वह प्रशंसनीय होता है जो घनों की चोट खा करके भी टूटता नहीं है। सिद्धांत वह प्रशंसनीय है, सिद्धांत वह ग्रहणीय है जो तर्कों पर तर्कों की चोट खा करके भी न टूटे। लेकिन हम तर्क नहीं करना चाहते, कसौटी में कसना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा कच्चा हीरा टूट ना जाए। लेकिन आपने कांच को हीरा मान लिया है तो धोखा तो खाना पड़ेगा। घबराता कौन है, तर्क कौन दूर भागता है, जिसने कांच को हीरा मान बैठा है। जिसके पास सचमुच हीरा है वो डरेगा क्यों, घबराएगा क्यों। कहा जाता है धर्म के क्षेत्र में तर्क नहीं कर सकते, जिनका धर्म इतना कच्चा है कि तर्क की कसौटी पा करके तुरंत कांच के समान भर भरा कर टूट जाता है, उसे चाहिए कि अपने उस धर्म को अपने घर के कोठरी में ताला बंद करके रखे। बाजार में लाओगे तो चोट तो सहना पड़ेगा, और जो टूट जाए वो धर्म क्या होगा। अधर्म टूटता है, धर्म नहीं टूटता है, धर्म तो शाश्वत होता है। मान्यताएं बनते बिगड़ती है, कर्मकांड बनते बिगड़ते हैं, पूजा पाठ के नियम बनते बिगड़ते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम बनते बिगड़ते हैं। धर्म न बनता है न बिगड़ता है, वो शाश्वत होता है, सत्य शाश्वत होता है। और जो सच्चा धर्म है, सच्चा जो सचमुच सत्य है, वो डरेगा नहीं कभी, वो तो चैलेंज देगा, देख लो, ठोंक लो, हथौड़े पर हथौड़ा मार लो, टूट जाए समझ लेना कांच है, न टूटे तो समझ लेना कि हीरा है।
इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका हीरा सचमुच का सच हीरा है तो घबरा क्यों रहे हो, दे दो लोगों को, कसने दो कसौटी पर। और हीरा के बदले में आपने कांच को हीरा मान लिया है तो आप तो स्वयं धोखा खा रहे हो, अंतिम पछताना पड़ेगा। इसलिए शब्दों को परखें, कसौटी में कसें, और परख की कसौटी पर कस करके जो सही हो उसे माने। इन दोनों साखियों में सद्गुरु कबीर ये कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो सत्य निर्णय के शब्द हैं, और मानव मात्र मेरे ज्ञान का अधिकारी है। क्योंकि मानव मात्र में ज्ञान के बीज है, मानव मात्र मूलतः एक समान है। कबीर के विचार किसी परंपरा विशेष के लिए नहीं, जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए है। और मानव मात्र उसका अधिकारी है जो जितना समझ कर ग्रहण कर सके। लेकिन साहब कहते हैं इन बातों को सुनो तो, लेकिन खिसक मत जाओ, बार बार भ्रम कल्पना में पढ़ करके सतत विचलित मत हो जाना। निज तत्व को चाहते हो, आत्मतत्व की परख चाहते हो तो शब्दों की परख करो। बिना शब्दों की परख किए सत्य तत्व का बोध कभी हो ही नहीं सकता। सबको आदर दें, सबको आदर दें, अनादर किसी का ना करें, तिरस्कार किसी का ना करें, अवहेलना किसी की ना करें, सबको आदर, सबको आदर दें। लेकिन किसी भी बात को मानना हो तो तर्क की कसौटी पर कस करके माने, विवेक जिस गवाही दे उसको माने, और विवेक गवाही न दे उसको छोड़ दें। इसी में हमारी भलाई है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। Thank you.